आर्थिक राजधानी और पानी पानी यानी कि त्राही माम मचाए मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इंदौर में भारी बारिश ने तबाही मचा दी। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 6.5 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। ये सीजन की सबसे तेज और ज्यादा बारिश है। तेज बारिश के चलते कई इलाके जलभराव से मग्न हो गए। स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। यशवंत सागर डैम का एक गेट खोल दिया गया तो वहीं भोपाल में केरवा डैम के 4 गेट खोल दिए गए। कोलार बाणसागर कुंडालिया बरगी ओंकारेश्वर कलियासोत डैम लबालब भर गए। मौसम विभाग हालांकि ये कह रहा है कि तेज जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कम दबाव बना है जिसकी वजह से प्रदेश में बारिश का जो स्ट्रांग सिस्टम है वो एक्टिव है तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन टर्फ मानसून टर्फ लाइन से गुजर रहा है। तो पानी पानी यानी कि त्राही माम मचा हुआ है मध्य प्रदेश में। भोपाल में भदभदा कलियासोत डैम के गेट को खोलना पड़ा है। उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट पर मंदिर कई जगह पर डूब गए। 7वीं बार इस तरह से तवा डैम को खोला गया है। शुक्रवार को जिस तरह से कल बारिश हुई भोपाल में और रात भर होती रही इसके बाद भदभदा डैम का एक गेट खोल दिया गया है। 2 और गेट से जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। कलियासोत डैम का एक गेट खोल दिया गया। अंजलि सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी है। अंजलि जिस तरह से बात करें कल खूब झमाझम बारिश हुई है भोपाल में और उसकी वजह से अब क्या स्थितियां दिख रही हैं, क्या अपडेट सामने आ रहा है, कितने गेटों को खोलना पड़ा है और कितनी परेशानियां लोगों की पड़ी? देखिए इस समय पर जो है जो मानसून है फिर से एक्टिव हो गया है। एक मानसून जो एक ट्रफ लाइन है मध्य प्रदेश के ऊपर से गुजर रही है जिसके चलते जो है मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश के में जो है बहुत तेज बारिश हुई है। इनमें से अगर बात करें कि आज मौसम विभाग ने 41 जो जिले हैं उसमें भारी बारिश की चेतावनी दी है तो वहीं अगर बात करें 30 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो गुरुवार से जो है तेज बारिश का सिलसिला देखने को मिला था लेकिन अभी शनिवार को सुबह से जो है बारिश थम गई है लेकिन जो पानी भरा चुका है। अगर इस महीने के कोटे की बात करें, अगर मानसून की बात करें तो 98% जो पानी है वो पूरा भर चुका है। एक इंच बारिश होगी तो इस साल का जो कोटा है 100% वो पूरा हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो डैम की तो डैम जो है राजधानी भोपाल में बात करें तो यहाँ पर भदभदा जो गेट है 8:30 बजे रात में उसका एक गेट खोला गया था लेकिन लगातार बारिश और जलस्तर बढ़ने के कारण जो दूसरा गेट है उसको देर रात में खोला गया है। केरवा डैम है उसके भी एक गेट खोला गया और कलियासोत डैम के भी जो है 2 गेट खोले गए हैं। इसके अलावा जो है प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया जो निचली बस्तियां हैं जहां पर पानी भरने की संभावना है उसको लेके जो है उधर अलर्ट किया गया है। उधर के लोगों को बोला गया है जहां बारिश जहां पानी भरने की जो है ज्यादा स्थिति बनी हुई है तो उधर के लोगों को भी हटने के लिए दूसरी ओर जाने के लिए कहा है। तो ये सारी चीजें हैं, प्रशासन भी लगातार जो है अलर्ट मोड पर है और जो निचली बस्तियां हैं उसकी अगर बात करें और जो झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है उसकी वजह से राजधानी भोपाल में भी कई ऐसी कॉलोनियां भी हैं जहां पर पानी भरा हुआ है तो उसको लेकर जो लगातार है नगर निगम वो भी अलर्ट मोड पर है, पानी निकालने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो आने वाले 24 घंटे और आने वाले 2 दिन जो है तेज बारिश की जो है संभावना जताई गई है पूरे मध्य प्रदेश में। इसमें अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा है, पांडुना है या फिर मालवा संभाग जो है वहां पर जो है तेज बारिश होगी। वहीं राजधानी भोपाल है, नर्मदापुरम है और इनके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर मध्यम से तेज बारिश की जो है संभावना जताई गई है। बिल्कुल मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आने वाले समय में 2 दिन और इसी तरह से बारिश होती रहेगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो लगातार